दरबार में आए और दरबार में आकर के कई एक राजा बैठे हुए थे, सबसे एक ही बात कही, अरे भैया कहिए महाराज, आपको ज्ञात हो ना हो, हमारे घर में एक लड़की है। आहा, नाम जानते हैं आप हमारी लड़की का? गुड़मुड़ी। गुड़मुड़ी नहीं, रुकमणी। अरे रुकमणी, अब हम अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं, अपनी कन्या की। महाराज तुम्हारी लड़की ब्याला कह गई? हाँ शादी कई हो चुकी है। आज बड़ी जल्दी आ गई, कल फल तो खिलात डोलते हम। तो समय कितनी देर लगता है? समय भी ऐसे ही निकल जाता है। अच्छा महाराज, क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, आपसे सलाह ले रहे हैं, आपकी नजर में कोई सुंदर वर हो, घर हो, समाज में सम्मान हो, कोई लड़का बताओ, हम शादी कर देंगे। महाराज लड़का? हाँ हाँ लड़का चाहिए। महाराज कितनी साल को हो? अरे भैया कम से कम ये सोचो, मेरी कन्या लगभग 18-20 साल की है, और इतनी उम्र की लड़की के लिए कम से कम 25 साल का लड़का होना बहुत जरूरी है, तो अच्छा भी लगेगा। महाराज हाँ, 20 साल की लड़की है तुम्हारी? हाँ, और 25 साल को लड़का होना चाहिए। और क्या, रुके जाओ हिसाब लगा ले, 1, 2, 3, 6, 8, 2, 10। महाराज हिसाब तो लगाओ। हाँ बताओ का हिसाब लगाओ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो 5-5 साल के लड़के अगर 5 देख लिए जाएं तो कैसा रहेगा? 25-25 थोड़ी करवाने हमें, एक लड़की के लिए एक ही लड़का होना चाहिए, पागल? महाराज हम तो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि खुदा ना खास 2-4 हो ना तो एक खच्चू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खच्चू का मतलब? मज्जा, समझ जाओ। तुम तो समझदार हो वैसे। हम 5 के साथ नहीं, हर आदमी हर पिता एक ही लड़की के अपने की एक ही पति देखते हैं, और तू 5 बता रहा है? अच्छा जे बात आई, तो महाराज लड़का तो मिलेगो। कौन है बताओ? समझ लो मिलेगो। बताओ बताओ। यहाँ कहूँ बैठो होगा, देख रहे होगा तुम, तो दिख रहे हो वैसे, कहूँ देख ले बताओ, नजर डाल के कहूँ दिख रहे हो? हाँ दिख रहे होगा महाराज, है ना? तेरी खराब हो गई बुद्धि ना महाराज, बुद्धि ना पूरा भूसी खराब है। अरे कोई तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है भाई, कोई बढ़िया सा लड़का बता। महाराज लड़का यहाँ कोई जगह में कोई रड़ुआ तो ना रहो, है लड़ुआ के रड़ुआ? हाँ कोई रहो तो ना आए, हाँ तो ढाई दियो भाई। महाराज हाँ, एक लड़का समझ में आया है हमारे। कौन है बताइए जल्दी से? दुर्योधन। हस्तिनापुर के? हाँ। अबे तेरी बिल्कुल बुद्धि खराब है, ये तो सोच दुर्योधन कितना निकम्मा नीच आदमी है। महाराज है तो योद्धा। अरे योद्धा का है इससे हमें कोई मतलब नहीं, उसने भाइयों को बंटवारे में कुछ नहीं दिया, दुर्योधन के साथ शादी नहीं हो सकती, ये बोल सकते इनको तो ये बताएंगे? महाराज पूछिए महाराज, बोलो हम बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बको। लड़का तो एक हमारी नजर में। हाँ बताओ तुम्हारी नजर में कौन है? मगध का राजा जरासंध। अबे तेरी और ज्यादा बुद्धि खराब है, 80 साल का बुड्ढा है, वो शराब पीता है, और शराबी आदमी के साथ लड़की की शादी कर दी जाए तो क्या होगा? बहुत पैसे वाला है, शराबी आदमी है, पैसे वाला। शराब पिए, पैसे वाले पीते हैं। तुमने पी कब? हम कब पियेंगे? तू पी भैया, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है, तुम जानते कुछ नहीं हो, आप बता सकते हैं क्या हमें बोलने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। महाराज हमारी समझ में तो एक लड़का आया था। बोलो बोलो कौन? द्वारकाधीश कन्हैया। भाई वाह, तुमने बहुत अच्छी बात बताई है, यही बात नारद जी कह के गए थे। तो महाराज कछु
आ जाओ फूफा।